इन्होंने एक बात उठाई, इन्होंने कहा एक प्रदेश में क्यों कराएंगे, सभी प्रदेशों में जातिगत जनगणना कराएं। पहले तो जातिगत जनगणना और सर्वे का फर्क जानिए। जातिगत जनगणना जो है वो केंद्र की सरकार कराती है और सर्वे प्रदेश की सरकार कराती है। और इनको ये भी तथ्य नहीं पता है कि ये जो बिहार ने जातिगत सर्वे कराया अमीर जी, जी तो जी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का ही ये निर्णय था। ये निर्णय लालू प्रसाद यादव का नहीं है। लालू प्रसाद यादव जो है उस सरकार का हिस्सा नहीं थे। और लालू प्रसाद यादव का परिवार हो या आरएलडी का परिवार हो या समाजवादी पार्टी का परिवार हो या एआईएमआईएम का परिवार हो, मैं तो आपके चैनल पे चुनौती दे रहा हूं, अपने परिवार के बाहर के सदस्य को जवाब अध्यक्ष नहीं बना पाए। ये लोग जातिगत जनगणना कराएंगे, ये लोग ओबीसी को आगे बढ़ाएंगे। अरे आप बताइए एआईएमआईएम में कौन है भैया, जवाब परिवार का कोई नहीं। आसिफ वकार जवाब। देखिए एमवाई दिख गया इनको। देखिए एमवाई आपने नाम दिया, ये कह रहे हैं मैंने नहीं दिया एमवाई फार्मूला दिया। अमित शाह ने यही बोला कि एमवाई का समीकरण बढ़ा दिया गया है, यानी उनकी जनसंख्या को बढ़ा दिया गया है। नहीं नहीं सर कितनी देर लगती है भारतीय जनता पार्टी को दूसरों के नामों पर और दूसरों के कामों पर कब्जा करने में। जैसे उत्तर प्रदेश लखनऊ की मेट्रो पे कब्जा कर लिया, जिस तरह से एक्सप्रेस वे पे कब्जा कर लिया, वैसे एक सेकंड लगेगा एमवाई को। मोदी एंड योगी, एमवाई जी, मोदी योगी, एमवाई हो गया कब्जा। सर बीजेपी के लिए कितनी बड़ी बात है, एक लाइन में कब्जा करते हैं धड़ाम से सब कुछ इनका। मैंने देखिए बहुत छोटी सी बात कही थी कि भारत सरकार चाहे तो जातिगत जनगणना करा सकती है और बीजेपी की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो चाहे तो जातिगत सर्वे करा सकती हैं। खाली बिहार को क्यों रह रहे हैं आप, यूपी में क्यों नहीं करा रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं करा रहे हैं। सर अगर आप जाति के खिलाफ हैं और आपकी नज़र में सब हिंदू हैं, तो पल्लवी पटेल को आपने जाति के आधार पर बनाया है, रामदास अठावले को आपने जाति के आधार पर बनाया है, सर ओम प्रकाश राजभर को आप जाति के आधार पर लिए हुए हैं, संजय निषाद को जाति के आधार पर लिए हैं जी, दारा सिंह चौहान को जाति के आधार पर आप लेकर आए हैं। मैं और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जनाब योगी आदित्यनाथ जी जाति के आधार पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और अगर जाति खत्म कर देंगे सर, पर योगी आदित्यनाथ तो महंत, योगी आदित्यनाथ की कोई जाति नहीं, योगी आदित्यनाथ एक महंत है, एक महंत है। और जब व्यक्ति महंत हो जाता है तो उसकी जात नहीं रहती, उसकी जाति नहीं रहती। अक्सर कहा जाता है जात तो पूछो साधो। सर सुन तो लीजिए। जी 10 सेकंड दिन गौरव भाटिया वेटिंग। अरे सर योगी जी खुश हो गए होंगे आपकी बात सुनकर कि कोई तो है उनकी पैरवी करने वाला जो उनकी बात कर रहा है बिना मतलब अपॉइंट किए हुए। सर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर जातीय समीकरण खत्म कर दिया जाएगा तो हिंदुस्तान से खूबसूरती खत्म होगी और एक जाति विशेष का सब कुर्सियों पर, सारी कुर्सियों पर कब्जा हो जाएगा जी। अगर सारी कुर्सियों पर एक जाति को बिठाना चाहते हैं तो आप अमित शाह साहब की बात मान लीजिए, वरना अगर आप अपनी जवाब गौरव भाटिया की अगर आप तरक्की चाहते हैं तो जातीय जनगणना होनी चाहिए। मुस्लिम यादव सपा का भी कॉम्बिनेशन है, लालू यादव का भी कॉम्बिनेशन है, इसमें तो कोई दोराय नहीं, और आज से नहीं है, काफी वर्षों से है। गौरव भाटिया देखिए ऐसा है कि पहले मैं कुछ बातें तथ्य रख दूं जिनकी काट इनके पास नहीं होगी। भाजपा ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे आगे बढ़ाया और जनता ने उन्हें चुना। ओबीसी प्रधानमंत्री बिना, कांग्रेस ने तो कभी ओबीसी प्रधानमंत्री दिया नहीं। हमारी जो सरकार है केंद्र में 29 मंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं, और ये भी सच्चाई है कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने, और 29% जो सांसद हैं वो भी ओबीसी हैं। लेकिन आपको जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, हाथ में AIMIM का संविधान है मेरे, ये मेरे हाथ में है अमी जी, नाम में मुस्लिमीन है,
क्यों नहीं नाम में पिछड़ा वर्ग भी रख देते हैं अगर इतने बड़े हितैषी। और दूसरा, इस संविधान में पता है क्या लिखा है, एक लाइन सारे दर्शकों को पढ़नी चाहिए, कैसी कपटी पार्टी है इनकी। इन्होंने लिखा है कि हम लोग अग्रसर रहेंगे कि मुसलमानों में एकता बढ़े, ये नहीं लिखा कि भारतीयों में एकता बढ़े। इनका संविधान काफी पढ़ने गौरव जी, सभी धर्मों के जो अनुयायी हैं उनमें एकता बढ़े है। मैं कह रहा हूं इनका संविधान काफी पढ़ रहे हैं आप, कुछ कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप AIMIM का संविधान लिखने का आदि हूं ना, ये तो कुरान पढ़ते हैं, मैं संविधान पढ़ता हूं जी। मैं कहता हूं भारत का संविधान पढ़ो, सबका संविधान पढ़ो, ये लोग पढ़ते हैं सऊदी अरेबिया का या ये पढ़ेंगे कुरान, अरे हम पढ़ेंगे संविधान, यही तो फर्क है। इसीलिए तो ये लगा रहे हैं ध्यान, क्योंकि इनका पढ़ रहा हूं संविधान जी। लेकिन ये सवाल पूछिए, केवल मुसलमानों की एकता, बाकी पिछड़े, महिलाएं, बाकी धर्म के जवाब 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 विवेक विवेक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक 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 श्रीवास्तव, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आसिफ वकार 20 सेकंड, आसिफ वकार 20 सेकंड रिप्लाई, शार्प रिप्लाई। देखिए मैंने तीन बार एक ही बात पूछी कि भारत की सरकार अगर जातिगत जनगणना के समर्थन में है तो आदेश पारित कर दे। हमने भी तो कुछ संविधान दिखा दिया, खानदान दिखा दिया, फैमिली दिखा दी, सऊदी अरब ले आए अपने संविधान, इस बात का जवाब नहीं है। ये डर बता रहा है आजकल। ओह अच्छा, डर बताता है वो, ये डर सर, समझ गया, गाजा में तो हमास के संविधान को पढ़ रहे हो ऐसी जी आजकल। नहीं नहीं बोलो आप, मेरा सवाल था, वो सवाल का उत्तर दे दे। अच्छा ये बताइए, अरे सर मैं जवाब दे रहा हूँ आपका, आप क्यों, आप तो वकील साहब हैं, आपको तो हम लोग से ज्यादा तरीका मालूम है बहस का। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब देश में जातीय जनगणना की परमिशन देंगे? मैं खाली सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, हाँ या ना, जवाब जवाब करो, करो करो 10 सेकंड रिप्लाई देन विवेक श्रीवास्तव, वेटिंग वेटिंग विवेक श्रीवास्तव। नहीं नहीं, मैं उत्तर दूंगा, पहले मेरे 10 सेकंड में 5 सेकंड दीजिए। इनके संविधान में केवल मुस्लिम एकता की बात क्यों है, क्या ये संविधान विपरीत नहीं? और उसके बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, बताइए। मैं अपने 5 सेकंड दे रहा हूं, बताइए भाई, 5 सेकंड लीजिए, बताइए। अरे सर गौरव जी को पहले बता दिया होता आपने कि आज जातिगत जनगणना पे बहस है, MIM के संविधान पे नहीं है। अब ऐसे आप प्रवक्ता जी हमारे माशाल्लाह इतने तेज तर्रार प्रवक्ता है, बढ़िया प्रवक्ता है, और जवाब नहीं दे पा रहे बेचारे। अरे मैं दूंगा, लेकिन आप तो दे दीजिए, गृह मंत्री जी जनगणना के फेवर में है या नहीं है, जातीय जनगणना कराएंगे कि नहीं कराएंगे? संविधान पढ़ रहे थे, AIMIM का पढ़ना भूल गए। अच्छा देखिए, आपकी पार्टी का संविधान अच्छा, भी मैंने में योगी जी कुछ तो तारीफ करिए, जातिगत सर्वे कराएंगे कि नहीं कराएंगे? योगी जी से बड़ा डर लगता है। अच्छा योगी जी से बड़ा डर लगने लगा आप लोगों को, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। इनको लगता है योगी जी का बुलडोजर कहीं रजाकारों को ना दबा दे। हाँ अच्छा है, अच्छा है, वो ऐसी ठीक है। मैं विवेक 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 श्रीवास्तव को लेकर आता हूँ।